जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में। आप सभी को बता दें कि सीआईएसएफ की तरफ से 787 पदों के लिए ट्रेड्समैन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। तो पूरी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी कि कब से आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, हाइट क्या रहेगी, फिजिकल क्या रहेगा और सिलेबस आपका क्या रहेगा। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को हर एक चीज एकदम से क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को सबसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप सीआईएसएफ फायर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्स पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ये बुक भी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो यहां पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं सीआईएसएफ की तरफ से जारी किया गया है, और यहां पे आप देखेंगे नोटिस, तो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 इन सीआईएसएफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट होगी वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 20 दिसंबर, यानी 21 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। पे जो आपको मिलेगी लेवल 3 की मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। साथ ही में ये जो वैकेंसी है यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन, यानी कि ये वैकेंसी महिला पुरुष दोनों के लिए निकाली गई है, दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और दोनों ही इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर 2 पे आपको दी गई है पे स्केल, तो पे स्केल ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। साथ ही में इसके लिए आप सभी को बता दिया मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं कि हर एक कैटेगरी के लिए और हर एक ट्रेड में अलग अलग वैकेंसी आपको दी गई है। टोटल जो आपकी वैकेंसी है 787 यहाँ पे वैकेंसी है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मेल में जैसे 247 वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 27 वैकेंसी है, कौन सी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है यहां पे आप टोटल वैकेंसी देख पाएंगे। एक्सर्विसमैन के लिए 30 वैकेंसी हैं और टोटल जो वैकेंसी हो जाती है 304, तो इस तरीके से टोटल 787 यहां पे वैकेंसी हैं। बाकी की कुछ बैकलॉग की वैकेंसी हैं जो कि लास्ट ईयर जो भर्ती हुई थी उसकी खाली रह गई थी, उन्हें यहां पे ऐड कर दिया गया है। बाकी के यहां पे देख सकते हैं सेक्टर वाइज जो वैकेंसी आपकी मेल और नीचे आपकी जो फीमेल की वैकेंसी, उन्हें सेक्टर वाइज आपकी ट्रेड वाइज यहां पे एलोकेट कर दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपके सेक्टर में कितनी वैकेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। यहाँ पे सबसे मेन जो चीज आती है वो आती है कि यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दें कि एक कैंडिडेट किसी एक ट्रेड के लिए ही अप्लाई कर सकता है और एक कैंडिडेट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म ही एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हैं, या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकता है और एक ही ट्रेड के लिए कर सकता है, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे वो साइलेंट फीचर आप सभी को बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आपका पीएसटी होता है, एनपीईटी होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद आपका मेडिकल रहेगा। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जिससे ये आपको क्लियर हो जाए कि सबसे पहले क्या होना, आपका फिजिकल होना जिसमें आपका पीईटी भी शामिल है, यानी कि दौड़ भी आपकी करवाई जाएगी। कितनी दौड़ होनी है वो भी आप सभी को आगे क्लियर कर दूंगा। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए यहां पे एप्लीकेशन फीस आपको देनी होगी जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। बाकी अदर किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी होगी। साथ ही में यहां पे आप सभी को बताया गया कि जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट डॉट इनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड होंगे, चाहे आपका पीएसटी की बात करें या पीईटी, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल के जो भी आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे वो इसी वेबसाइट से जाके आपको डाउनलोड करने होंगे। साथ ही में मेडिकल से पहले 2 स्टेज आपकी रहेंगी, वो क्लियर की गई है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन। और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो वाइल एंगल हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आज सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आप सभी को बता दें कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसने 10th पास कर रखा है या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी सर्टिफिकेट वगैरह की बात नहीं की गई है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। साथ ही अगर आपके पास आईटीआई है तो प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आईटीआई आपके पास होगी तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी की जो सारी चीजें हैं वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई
कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 23 साल और आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2022 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। इस दिन कम से कम 18 और मैक्सिमम आपकी 23 साल यहां पे उम्र होनी चाहिए, यानी कि 2/8/1999 से लेके 1/8/2004 के बीच में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। बाकी का अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको उम्र में छूट मिलेगी और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी। यहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में तो आप सभी को बता दें, जो भी मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और आपका जो सीना होना चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट तो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 80 नॉर्मल और 85 सेंटीमीटर आपका सीना फुल आकर होना चाहिए। कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे जैसे जनरल हो गया, एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी कैंडिडेट हो गया तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की। बाकी के अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की और 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की। वहीं पे मेल कैंडिडेट के लिए एसटी कैटेगरी में अगर सीना की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर सीना मेल कैंडिडेट का होना चाहिए एसटी कैटेगरी में। ये कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ऑनलाइन ही आपको सीआईएसएफ की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से जाकर अप्लाई करना होगा, वहीं से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आप सभी को लिंक दी गई है, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 8.2 जो पॉइंट है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको ये कंफर्म करने के लिए कि आप कौन से सेक्टर में आते हैं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी डिवाइड की गई है वो सेक्टर के अकॉर्डिंग की गई है। अब जैसे आपका नॉर्दर्न सेक्टर है तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से सेक्टर में आते हैं, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान जो आएंगे वो नॉर्दर्न सेक्टर में आएंगे। साथ ही में जैसे कि एनसीआर सेक्टर की बात करें तो दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, ये एनसीआर सेक्टर में होंगे। तो आप अपने सेक्टर में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे सेक्टर वाइज आपकी जो वैकेंसी है वो डिवाइड कर दी गई है, तो आपको यहाँ पे अपना सेक्टर चेक कर लेना है कि कौन सा सेक्टर आपका रहेगा जिसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं, जब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को बोल दिया गया कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और किस दिन का आपका फोटो है उसकी जो डेट है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उस पर जो फोटो लगाएं उस पर आपकी डेट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। प्रोसेस मैंने आप सभी को बताई दिया कि सबसे पहले आपकी नाप तोल होगी, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है और फिर आपका सेकेंड फेज में आता है रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद होता है आपका मेडिकल। अब यहाँ पे फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में जो रहता है 1.6 किलोमीटर का रनिंग मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होती है 6.5 मिनट में, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की जो रनिंग होती है वो 4 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो केवल यही फिजिकल रहता है, इसके अलावा और कोई इवेंट नहीं है, तो यही आपको कंप्लीट करना है। बाकी का जो डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं वो आप सभी को बताया गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया जो कि मैट्रिकुलेशन के आधार पर रहेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी सर्टिफिकेट्स इसके साथ मेंशन आपको करने होंगे। सभी को ट्रेड टेस्ट के बारे में बताया गया कि कौन से ट्रेड टेस्ट के लिए आपको क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आप सभी को क्लियर मेंशन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, के रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहता है। तो जो भी कैंडिडेट फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे, ट्रेड टेस्ट को पास करेंगे, फिर उसके अलावा यहाँ पे ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देख सकते हैं, सीबीटी मोड में आपका टेस्ट रहेगा, यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम करवाने की यहाँ पे बात की गई है।